तो दोस्तों वन प्लस नॉट टू टी के यूजर्स के लिए वन प्लस की तरफ से काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। फाइनली एंड फाइनली इस डिवाइस के लिए अक्टूबर 2022 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है वन प्लस की तरफ से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अपडेट का जो वर्जन है वो ऑक्सीजन ओएस 8.15 है और इसी के साथ इस अपडेट में सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है और इसी के साथ इसमें एक इशू आपको जो है वन प्लस नॉट टू टी में देखने को मिल रहा था जो कि चार्जिंग से रिलेटेड था। तो चार्जिंग से रिलेटेड जो आपको इशू देखने को मिल रहा था तो वो इशू भी यानी कि इस तरह का बग भी इसमें फिक्स कर दिया गया है। तो यानी कि मेनली चार्जिंग के इशू को फिक्स करने के लिए और हल्के फुल्के इसके सिस्टम के बग्स वगैरह को फिक्स करने के लिए यह छोटा सा अपडेट आपको वन प्लस नॉट टू टी में फाइनली वन प्लस की तरफ से रोल आउट किया गया है। अगर आपके पास भी ये डिवाइस है तो आप भी अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर 8.15 वर्जन का लेटेस्ट अपडेट अक्टूबर का आप चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये अपडेट मिला है तो आप भी इसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटा सा अपडेट है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, जिसके बाद आपके भी डिवाइस में आपको मतलब हल्के फुल्के जो सिस्टम से रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे, बग्स वगैरह फिक्स हो जाएंगे। इसके साथ ही चार्जिंग का इशू अगर आपको देखने को मिल रहा था तो वो भी फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़र को ही रोल आउट किया गया है, धीरे धीरे करके सभी यूज़र्स को ये अपडेट जो है कुछ ही दिनों में रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी न्यूज़ निकल के आई थी वन प्लस नॉट टू टी के लेटेस्ट अक्टूबर के अपडेट की। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।